तो फिर तुम क्या चाहती हो लाइफ से बनी? रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूं नैना, दौड़ना चाहता हूं, गिरना भी चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता। हर कहानी में एक हीरो होता है, मगर इस कहानी में दो है। और साले भूल गए क्या? या गर्लफ्रेंड से फुर्सत नहीं मिल रही? तो याद है तुझे जब उस दिन कोई प्लान नहीं था और हम निकल पड़े थे? वैसे मेरे काफी दोस्त थे, पर खास बहुत कम। ये मैं हूँ और यह मेरा दोस्त डाउट है। दरअसल हमारी मुलाकात कॉलेज के एक फंक्शन में लास्ट बेंच पर बैठकर जॉनी भैया के वीडियोस देखते हुए हुई। वैसे हमारी दोस्ती की खास बात पता है? हमारी पसंद काफी मिलती जुलती है और यही वजह है कि आज हम बिना किसी प्लान के घूमने निकल पड़े हैं। क्योंकि भैया इतिहास गवाह है कि दोस्तों के साथ बनाए हुए सारे प्लान सही वक्त पर आकर हमेशा फेल होते हैं, समझे? इसलिए हम प्लान्स बनाते नहीं है, सीधा निकल पड़ते हैं। हमारा सफर निकला है मानिकगढ़ की तरफ और जब तक हम लोग पेट्रोल भर ले, पिंटा सबको मानिकगढ़ कहा है ये भी बता दे। मानिकगढ़ राजूरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां जाने के लिए हमें सबसे पहले राजूरा से गढ़चंदूर जाना पड़ेगा और फिर अमलनाला से होकर सीधे मानिकगढ़ फोर्ट। लो जी, आज सफर का भी खूबसूरत है और खूबसूरत है रास्ता। आहा, नीले नीले आसमान में ये फुद्दू बादल। यार हम के दूसरा यार, राजूरा में हमने पेट्रोल भरा और हम निकल पड़े गढ़चंदूर की ओर। हम गढ़चंदूर पहुंचे पर यार डाउट है, सुबह के काम घर पे कर लेने का ना यार। ये है मानिकगढ़ सीमेंट फैक्ट्री, गढ़चंदूर इसके लिए भी जाना जाता है। पास ही एक दुकान में हमने कुछ खाने का सामान ले लिया ताकि आगे हमें भूख ना लगे। यहाँ डाउट है तो कुछ भी बोल, पर खुली जगह में बाढ़ लाने का मजा ही कुछ और है। खेत में बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आएगी, सुनामी। ओ चच्ची धीरे चला यार। सीट पर तशरीफ टिकाए हमें अमल लाला का खूबसूरत नजारा नजर आ रहा था। हरे भरे पहाड़, बहता पानी। तशरीफ ने कहा बैठ जा, आगे मानिकगढ़ भी जाना है, पर दिल ने कहा ठहर जा, घूमने आया है, घूम के जा। अभी तो मजा आएगा ना बिडू। डाउटे ने कहा चल पिंटे, आगे उस पहाड़ की चोटी पर चलते हैं, देखते हैं कौन कितना फिजिकली फिट है। तुम बस ताने चले जिंदगी मनाने, बंद सयाने और नाम के दीवाने। किसी सामने चलते ही हमें मरी हुई बकरी की लाश दिखाई दी और जानवर के डर से हमारी टुई फट गई। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई यार। दूर से जंगल जितना सेक्सी दिख रहा था, पास से उतना ही डरावना। पर भाई तुम्हारा है वॉरियर। डाउटे ने सेफ्टी के लिए एक लकड़ी तोड़ी और हम आगे बढ़े। ये ट्रैक थोड़ा भी ऊपर नहीं चढ़े कि पसीना आने लगा। पर ये दिल है जिद्दी, कहता है दिल मांगे मोर। कम ऑन पिंटे। डाउटे तो साइकिलिंग करता है, वो तो चढ़ लेगा, पर तुम तो दिन भर सोते हो मिस्टर पिंटिया, तुम्हारा क्या होगा? ऐसे तैसे करके हम चोटी पर पहुंच गए
और वहां जाकर एक बात पता चली कि जितनी थकान ऊपर चढ़ते हुए होती है, सारी थकान ऊपर पहुंचकर आसपास का नजारा देखकर मिट जाती है। मुझे लगता है लाइफ के बारे में भी कुछ ऐसा ही होगा। क्यों एम के? बिल्कुल, कुछ पाने के लिए हम जितनी मेहनत करते हैं और जब वो चीज़ हमें मिल जाती है उस वक्त एक अलग ही सुकून होता है। पर अपनी मंजिल अभी बाकी है बिंटे, मानीगढ़ भी तो जाना है। भगाड़ आउटे, शाम हो रही है और बंद होने से पहले हमको फोर्ट पे भी पहुंचना है। इससे पहले हम इस रास्ते से बाकी दोस्तों के साथ गए हैं और आज उनको बहुत मिस भी कर रहे हैं, पर खैर दोनों ही सही, बागियों को वीडियो दिखा देंगे। मानीगढ़ के साथ ही ये रास्ता ज्योति की तरफ भी जाता है और चढ़ाई वाला रास्ता होने के कारण बहुत हेवी गाड़ियाँ, मतलब ज़्यादा वेट वाली, यहाँ से नहीं जा पाती। ओए यार डाउटी, यहाँ पे तो ट्रैफिक लगा यार, ये छोटे हमारे लिए रास्ता बना के देना यार। ओए होए, मिशन पास। हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए और पहुंचते ही हमने खाने की चीजें ठूस ली क्योंकि आगे और भी चलना है। एंट्री गेट पर हमने टिकट खरीदी और उन्होंने कहा कि आधे घंटे में ये बंद होगा और तब तक तुम्हें वापस आना है। ओए डाउटे चल यार, आधा घंटा ही सही, घूम लेते। मैं आगे चलूंगा, तू पीछे से वीडियो ले। हाँ है गए, हाँ अब दे दे। ये है मानिकगढ़ का पहला दरवाजा और यहां से हमको अंदर जाना है। यार इनके थोड़ा तू भी बता दे। कहते हैं 9वीं शताब्दी में ये किला नागवंशीय राजा गहलो ने बनवाया और कुछ लोगों का कहना है कि ये किला गोंड राजा मानकल ने बनवाया। नागवंशीय लोगों की कुलदेवी है मानिका देवी और लोगों का मानना है कि उन्हीं के नाम पर इसका नाम मानिकगढ़ पड़ा। आगे चलते ही आपको ये बोर्ड दिखाई देगा जहां पर किले का पूरा नक्शा बना है। चलो डाउट, हम पहले वॉच टावर जाकर फोटोस निकालते हैं। ओ यार यहाँ तो सीन्स काफी बढ़िया है यार। आहा, वैसे यहाँ काफी लोग घूमने आते हैं, स्टूडेंट्स, फैमिलीज और बाबू सोना भी, और ये देखने में काफी सुंदर भी है। मगर एक बात बता दूं कि यहाँ आपको मोबाइल नेटवर्क मिलने के चांस बहुत कम है। मतलब कि आपको कल किसी शेर ने खा लिया या पहाड़ से गिरकर आप शहीद हो गए तो आप अपने बाबू सोना को कॉल नहीं कर पाओगे। यहाँ के नज़ारे काफी खूबसूरत हैं। आप यहाँ सुकून से बैठकर शांति का अनुभव ले सकते हैं। चल डाउट में चलता हूँ, आता हूँ और तेरे पास आने के बाद तू कैमरा पहाड़ों पर घुमा। हाँ चल अब तेरी बारी। हाँ आजा आजा, हाँ आजा आजा आजा। हाँ अयो पहाड़ का आ गया। दोस्तों के साथ मेरी जगह पर पुरानी यादें हैं। चलो एक रिक्रिएट ही कर देता हूँ। शाम हो रही थी और उसके पहले हमें घूमना भी था। हम एक कुआं देखने निकल पड़े जिसे पाताल विहार कहा जाता है। सुनसान रास्ता देख लग रहा था सारे लोग जो घूमने आए हैं वापस जा चुके हैं। ढलते सूरज के साथ जंगल और भी घना लग रहा था। चल डाउटे, आज हमें शेर खाए या भालू, पर ये जगह देखे बिना हम नहीं जाएंगे। तुमको लग रहा है कि तुम अकेले हो?
कुछ दूर चलते ही हमें सीढ़ियां दिखी जो नीचे की ओर जा रही थी। थोड़े डरे थोड़े एक्साइटेड हम नीचे चलने लगे। और ये हमारा सबसे लास्ट डेस्टिनेशन। डर इसीलिए लग रहा था क्योंकि हमें आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है और आसपास हमारे अलावा कोई नहीं दिख रहा। हम नीचे कुएं के पास पहुंच गए। देखकर यही सवाल आया कि ऐसी जगह पर लोगों ने इस कुएं को कैसे बनाया होगा। लोगों से कहानियां सुनी है कि उस जमाने में राजा ने इस कुएं में पारस पत्थर डाला था जिसकी वजह से लोग रस्सियों को लोहा बांधकर इस कुएं में छोड़ते थे ताकि वो सोना बन जाए। यार डाउटी, इतना बड़ा जंगल देखकर मेरी फट रही है यार। अगर मेरे को शेर ने खा लिया ना तो तू दुष्या से मेरे 65 रुपए मांगकर तू रख ले। यहां पर ऐसी और भी जगह है पर आज मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि यार फोर्ट बंद होने का टाइम भी हो गया है और फोर्ट मेरे पप्पा का नहीं है। आज सब कुछ अनप्लान था मगर यार बहुत मजा आई। इधर से आए, इधर पहुंचे, इधर ड्राइवर सलमान भाई। शाम हो गई थी तो हमने सोचा कहीं बैठा जाए, सोचा जाए। सिर्फ बहते पानी का आवाज आ रहा था और माइंड एकदम ब्लैंक था। ना पुरानी फिकर, ना कल का टेंशन। इस वक्त हम प्रेजेंट में थे और साथ में ये खूबसूरत नजारा। यार लगता है आज बहुत टाइम हो गया, अभी चलता हूँ। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। अगर नहीं तो थोड़ा वक्त दो, आई प्रे कि सब कुछ ठीक हो जाए। वीडियो पसंद हो तो लाइक, प्यार हो तो सब्सक्राइब, नहीं तो ना सही। MK